माई यूट्यूब चैनल डैट इज मामिक। सो गाइज, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो है एंड डेडिकेटेड है ऑल द स्मॉल बिजनेस। सो गाइज, आई रियली वॉन्ट टू सपोर्ट ऑल द स्मॉल बिजनेस जिसको भी मैं जानती हूँ एंड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सपोर्ट देम। आज की जो वीडियो है उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। मैंने 3 स्मॉल बिजनेस से शॉपिंग की है एंड जिसके बारे में आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाइज, ये जो स्मॉल बिजनेस है बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं। उनको बस एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है फ्रॉम लोकल पीपल एंड वी आर द लोकल पीपल विच हेल्प ईच अदर टू ग्रो एंड आई रियली वॉन्ट यू एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सपोर्ट स्मॉल बिजनेस। जो फर्स्ट स्मॉल बिजनेस की मैं बात करूंगी वो है वस्त्र लोग। ये 3 लोगों का ग्रुप है एंड उन तीनों ने मिलकर ये स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है। ये लोग नॉर्मल टी शर्ट जो होते हैं ना वो सेल करते हैं एंड जो बहुत ही रीजनेबल है, 200-250-300 के रेंज में है। मैंने उनके यहाँ से 1 या 1.5 साल पहले कुछ चीजें मंगाई थी एंड मैं उनको आज भी यूज कर रही हूँ गाइस एंड ट्रस्ट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। उनका इंस्टाग्राम का हैंडल मैं नीचे डाल दूंगी तो प्लीज आप चेकआउट कर सकते हैं उनका पेज। सो गाइज, जो मैंने फर्स्ट चीज मंगाई है वस्त्र लोक से वो है ये, 200 में मिला था गाइज मुझे एंड इसको मैं कंटिन्यू 1.5 साल से पहन रही हूँ गाइज। इसकी क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है एंड ये सिंपल ब्लैक टी शर्ट काफी क्लासी लगता है, काफी अच्छा लगता है एंड मुझे बहुत पसंद आया। 200 में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी मिली है गाइज। मैंने सेम इसमें येलो कलर भी मंगाया था। ये प्लेन टी शर्ट को आप किसी के भी साथ पैरअप कर सकते हो तो मैंने इसको काफी टाइम पहना है, स्कर्ट के साथ भी इसको पैरअप किया है। मैंने इसको कंटिन्यू बेसिस पे पहन रही हूँ 1.5 साल से गाइज एंड मेरे को ट्रस्ट मी क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, कंफर्टेबल है, कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है प्लस रीजनेबल भी है। 200 bucks फॉर दिस टी शर्ट जो मैं लास्ट 1.5 साल से पहन रही हूँ जिसमें मेरे को कोई भी इशू नहीं आया है गाइज। वहाँ पे 250 के भी मैंने एक टी शर्ट ली है एंड ये मैंने ली है अमित के लिए एंड ये दोनों साथ में ही मंगाया था मैंने एंड गाइज ट्रस्ट मी इसमें भी कोई भी क्वालिटी में इशू नहीं आया है। अमित कंटिन्यू इसको 1.5 साल से पहन रहा है एंड ना इसका कलर फेड हुआ है, ना ही क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आई है। सो आप देख सकते हो इतने रीजनेबल रेट में काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी मिल रही है, तो आप इनका इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हो गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका एक चॉकलेट का बिजनेस भी है गाइज जो सिर्फ मुंबई में ही अवेलेबल है अभी सेंट्रल लाइन में। सो मैं उसके यहाँ पे भी डाल दूंगी, 250-300-350 के रेंज में काफ़ी टेस्टी एंड यमी चॉकलेट अवेलेबल है। मैं उनके सारे रेंज यहाँ पे डाल दूंगी गाइज, सो आप देख सकते हो एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। मैं उसका हैंडल एंड उनका नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं बात करूंगी, अमित की फ्रेंड है वो शिवांगी जैन, तो उसका एक फेसबुक पेज है गाइज एंड गाइज मैंने उसका फेसबुक पेज चेक किया, इतने प्यारे कलेक्शंस है एंड ये आप चेकआउट कर सकते हो। कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, कुर्तीज भी मैंने काफी कुछ देखी जो बहुत अच्छी लगी मुझे गाइज। तो वहां से अमित ने मेरे लिए ऑर्डर किया था ये साड़ी गाइज, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लगा। ये कुछ अराउंड 1200 के आसपास पड़ी है विथ डिलीवरी चार्जेस। सो एज पर प्राइस गाइज क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इसके पीछे इसका ये जो डिटेलिंग दिया हुआ है ना गाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूरे पल्लू पे ना ये डिजाइन है एंड ये साड़ी प्लेन है, इतना चौड़ा बॉर्डर है। अमित ने ये मुझे गिफ्ट की थी उससे लेके एंड आई रियली लाइक दिस गिफ्ट बिकॉज ये एक स्मॉल बिजनेस से लिया गया है इसलिए मुझे और भी ज्यादा पसंद आया गाइज एंड आई रियली वॉन्ट पीपल टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस। सो गाइज इसकी साड़ी की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी एट दिस रेंज, सच में बहुत प्यारी साड़ी मिली है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। आप उसका पेज चेकआउट कर सकते हो एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू ऑर्डर फ्रॉम हर पेज। उसके बाद जो थर्ड मंगाया है वो एक इंस्टाग्राम पेज लुक एट मिस टर्नर, उसकी ओनर है अंजलि। इसका जब मैंने ये पेज देखा, ओ माई गॉड द काइंड ऑफ एफर्ट्स इज पुटिंग इन टू दिस इज सो कमेंडेबल गाइज, शी सो डेडिकेटेड एंड प्लीज सपोर्ट हर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरीज उसके पास है, सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो उसके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं एंड बहुत ही अच्छे हैं एंड शी इज इन टू साड़ीज ऑल्सो गाइज, तो आप उसका पेज भी चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस गाइज, ये फर्स्ट ज्वेलरी जो मैंने उससे यहाँ मंगाई है वो है ये, ओ माई गॉड आई मीन लव विद दिस पीस गाइज, दिस इज सो सो ब्यूटिफुल एंड ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ये गाइज। इसको तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं सेट के साथ दीदी के मान टीका बना के पहनूँ इसके इयर रिंग्स को, ये कितना प्यारा लगेगा
एंड ये मुझे कुछ पड़ा है अराउंड 300 के, एंड गाइस बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। वहां पे ना एक्चुअली स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रहा था एंड उसी वक्त मैंने बहुत सारी चीजें अपने लिए ऑर्डर कर ली है। यहाँ पे नॉर्मली कुछ ना कुछ सेल होता ही रहता है, बहुत सारे गिव अवे वो करती रहती है, तो आप उसका पेज देख सकते हो। जो सेकेंड ज्वेलरी मैंने उसके यहाँ से मंगाए है वो है ये, मुझे बहुत प्यारा लगा गाइस ये ब्यूटीफुल पीस। लुक एट दिस इज लुकिंग सो गुड गाइस। इसके साथ मुझे बहुत ही क्यूट सी इयर रिंग्स मिले हैं विच आई वॉन्ट टू शो यू। लुक एट दिस गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस, काफ़ी रीजनेबल है। ये भी मुझे बिलो 200 में ही मिला है, या आप किसी भी प्लेन कुर्ती के साथ मैचअप करोगे ना गाइस, ये बहुत प्यारा लगेगा। उसके बाद जो वो है ये चोकर गाइस, लुक एट दिस, दिस इज जस्ट फॉर रुपीज 120 और 130, मैं एग्जैक्ट प्राइस इसकी डाल दूंगी। प्लेन आउटफिट पे अगर मैं इसको पहन लूंगी ना गाइस, ये बहुत ही प्यारा लगेगा, मुझे बहुत प्यारा लगा ये गाइस। बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है कि हाउ टू यूज ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, तो अगर आप उसका इंस्टाग्राम पेज देखोगे ना, वो बहुत सारे आइडियाज देती है, बहुत सारे रील्स उसने बनाए हुए हैं, कि उसे भी देख के आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने मंगाया है ये क्यूट सा इयररिंग्स, लुक एट दिस, ये मुझे कुछ 70 रुपीस में मिला है। बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने मंगाई है वो है, वो भी है एक मिरर चोकर, बट वो बहुत डिफरेंट है एंड बहुत क्यूट है गाइस। ये भी कुछ 150 के आसपास पड़ा था मुझे। सबसे पहले मैं आपको इसके इयर रिंग्स दिखा देती हूँ। लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस। के बाद नेक पीस गाइस, ये भी बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट है, बीच में ऐसे आएगा एंड ये लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग सो ग्रेट गाइस, लुक एट दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने मंगाई है वो है ये गाइस, लुक एट दिस यार, ये भी सेल क्लियरेंस सेल पे मुझे मिला है। सिंगल पीस आप लोगे तो आपको ये मिलेगा 100 में, लेकिन उस सेल में अगर आप पैर लोगे तो आपको मिलेगा 180 में, तो इसलिए मैंने पैर ले लिया इसका। एंड लुक एट दिस डिजाइन गाइस, ये एंकल सेट अच्छा लगा मुझे एंड काफी यूनिक है, बहुत प्यारा लगा गाइस मुझे। जितने भी मैंने ज्वेलरीज मंगाए सारे अच्छे आए हैं, कोई भी इश्यूज नहीं रहा है इनमें। दिस वन इज माय फेवरेट, देखते ही बराबर मैं बहुत खुश हो गई थी। दिस लुक सो गुड गाइस, सारी ज्वेलरीज लाइट वेट है, लुक वाइज बहुत अच्छे है, रीजनेबल है। आजकल ये जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी काफी ट्रेंड में है गाइस, तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज ऑर्डर करो गाइज। एंड ओके, तो मैं सबके जो हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो आप उनका इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज चेकआउट कर सकते हो एंड आपको जो भी अच्छा लगे आप ऑर्डर कर सकते हो। वन हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज डू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, आजकल एक दूसरे का सपोर्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्मॉल बिजनेस को जस्ट आपका एक सपोर्ट चाहिए होता है टू ग्रो। सब लोग बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, so I really want you people to please support small business and that's it for today। I hope guys आपको ये small business का haul पसंद आया हो, ये concept पसंद आया हो। please do like, comment, share and subscribe to my channel and please don't forget to click the bell icon so that मेरी next video की update आपको मिलती रहे। thank you so much guys for supporting, please keep supporting, keep watching my video and please be safe and take care of yourself and your family members। bye bye, see you in next video guys।